हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सी दैट इफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस टू ए ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय टू, वाई इक्वल्स टू लॉग बेस टू बी ए सी डी डिवाइडेड बाय जेड इक्वल्स टू लॉग बेस फोर ए बी डी डिवाइडेड बाय एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू लॉग बेस फाइव डी ए बी सी डिवाइडेड बाय फाइव एंड वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन डब्ल्यू प्लस वन इक्वल्स टू लॉग बेस ए बी सी डी ऑफ कैपिटल एन प्लस वन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन की वैल्यू। सबसे पहले एक्स पे आ जाओ। एक्स हमारे पास दिया हुआ है, एक्स हमारे पास दिया हुआ है लॉग ऑफ बेस टू ए और बी सी डिवाइडेड बाई टू ये दिया हुआ है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हमें x प्लस वन की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या कर दिया, x प्लस वन इधर भी कर दिया और इस साइड भी कर दिया। ये आ गया log of base 2a और ये b divided by। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये x प्लस वन है, अब वन को लिख सकते हैं log of base 2a ऑफ टू कहते हैं और यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ बेस 2a ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई टू। अब log की प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो बेस तो है ना, ये 2a हो जाएगा, ऊपर 2a इंटू 2a बी सी डिवाइडेड बाई टू ये और ये कैंसिल। अब हम लोगों को चाहिए वन अपॉन में, इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई दैट वन अपॉन एक्स प्लस वन ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग ऑफ बेस टू ए ऑफ कितना ए बी को ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा ऊपर लॉग का लगा करके ये हो जाएगा ए बी सी ऑफ ये आ जाएगा। एक तो हम लोगों ने निकाल दिया एक्स वाला, इसी तरीके एक और निकाल देते हैं, बाकी का हम लोगों को आइडिया मिल जाए। सिमिलरली अगर मैं बाई की बात करूं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बाई प्लस लिखा और वन को मैंने यहाँ पे थ्री बी है तो ये लिख दिया लॉग ऑफ बेस थ्री बी और यहाँ भी प्लस ऑफ लॉग ऑफ थ्री बी यहाँ ए सी। अब इसको जब लगाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा log of cb, ये हो जाएगा हमारा कितना जी 3a b c d a b c d और यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना दिया 3 तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लोग को लिखना कितना है, 1 अपॉन पाई प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास नीचे आ गया ना कि उलट ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा log of a b c d of 3। इसका मतलब 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ना ये जो बेस दिया गया ऊपर चला जाएगा log of और ये आ जाएगा a b c d of 4 एंड वन अपॉन वन प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बेस ए बी सी और ये फाइव डी हो जाएगा, फाइव डी हो गया। अब हम लोगों को इन सब चारों की वैल्यू निकाल दिया, अब क्या करते हैं, देयर फोर वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस एट प्लस वन अपॉन वन प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू, पहला हमारे पास ही आया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बेस ए बी सी डी इसका है, इसका भी बेस ए बी सी डी है, इसका भी बेस ए बी सी डी है, इसका भी बेस ए बी सी डी है। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा करके लिख देता हूँ ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखो ये टू ए ये हो जाएगा टू ए इंटू ये थ्री बी इंटू फाइव सी इंटू फाइव सी इन फाइव डी होगा और फोर सी होगा है ना,
ये हो गया हमारे पास 4C एंड 5D, 5D। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया 4 3 12 और 5 2 20, यही हो गया ना। तो ये कितना आ गया, 24 24 5 जो 120, ये हो रहा है लॉग ऑफ बेस ए बी सी डी और 120 ए बी सी डी। इसकी लॉग की प्रॉपर्टी ले आके ब्रेक कर दो, लॉग ऑफ ए बी सी डी ए 120 प्लस लॉग ऑफ ए बी सी डी, और यहां भी ए बी सी डी है तो ये तो 1 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा लॉग ऑफ ए बी सी ऑफ 120 प्लस ऑफ 1, यही हमारा एन है ना। देखो यहाँ पे ये एन है, इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल एन जो हो गया हमारे पास 120, क्या कैपिटल इन क्या हो गया हमारा 120, जो कि थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।